और चलिए अब बात कर लेते हैं खुशनुमा मौसम की। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई, जिससे दिल्ली वालों की सुबह बहुत अच्छी हो गई। सुहाने मौसम का चक्र दिन भर बना रहा, ऐसा ही मौसम अभी भी बना हुआ है और खुशनुमा मौसम का दौर आगे भी जारी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी 30 अगस्त को हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अपना मिजाज तो देर रात से ही बदल लिया था। बीती रात रुक रुक कर बारिश भी हो रही और सुबह जब दिल्ली वालों की नींद खुली तो खुशनुमा मौसम ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही रिमझिम बरसात होती रही। अलग अलग इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बरसात होती रही। शाम को भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। खुशनुमा मौसम का ये दौर आगे भी जारी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 अगस्त को भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को दिल्ली में बादलों की मौजूदगी कम रहेगी। इन दो दिनों के दौरान तापमान में बढ़ोतरी भी हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री तक दर्ज हो सकता है। इसके बाद 2 और 3 सितंबर को दिल्ली में छिटपुट हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिससे अधिकतम तापमान में हल्की कमी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर के अलावा आसपास के मैदानी इलाकों में मौसम विभाग ने आजकल में हल्की से भारी बारिश का अनुमान जताया है। एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है हमारा 67 डिग्री ईस्ट में और एक हमारा जो मानसून ट्रफ है वो उसका साथ और ये जो सिस्टम है, इन तीनों के इंटरेक्शन से हमारा आज का जो उम्मीद है कि भारी वर्षा का प्रोबेबिलिटी है, खासकर आपका पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और खासकर उत्तराखंड में हमारा अति भारी वर्षा का भी प्रोबेबिलिटी है। उत्तर प्रदेश में भी आज बारिश का, भारी वर्षा का संभावना है। तो जहां तक दिल्ली एनसीआर की बात करें तो मौसम का मिजाज आज ठंडा ही रहने वाला है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही हल्की से मध्य स्तर की बारिश होने के आसार है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक और दिन मौसम ठंडा ठंडा कूल कूल रहने वाला है। दिल्ली से मनीषा लाडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।